स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा चलेगा टेंस का पार्ट नंबर 5। जी हाँ, जिसमें आप जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है और किस प्रकार एग्जाम में यहाँ से एग्जामिनर एरर पूछता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा V2 का यूज होता है। किसका? V2 का, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जी हाँ, कहीं पर भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाई देगा आप क्या यूज करोगे? V2। देखते ही क्या यूज करोगे? V2। ठीक है दोस्तों, पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा इसी पर बेस्ड है। चलिए तो देखो किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने ये पढ़ा है ना सब्जेक्ट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं, इसको समझो। हर वो एक्शन, हर वो चीज जो पास्ट में हो चुकी है, जो पास्ट में हो चुकी है, पास्ट में जा चुकी है, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। चाहे वो एक साल पहले की बात हो, या वो एक मंथ पहले की हो, या वो एक दिन पहले की हो, इवन वो अगर एक सेकंड पहले भी घटित हुई है तब भी वो पास्ट में ही मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसी चीज चाहे उसको हुए हुए अभी एक सेकंड ही हुआ है पर वो पास्ट में तो चली गई ना। तो कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में चली गई है, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो गया है, उसी को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों, ये मत रटना ता था ती थी ते थे आया गया लिया दिया, ये सब कुछ नहीं। हर वो एक्शन जो पास्ट में, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और वर्ब कौन सी यूज होगी? पास्ट इंडेफिनिट। चलिए देखो, हमने अब तक क्या पढ़ा था, जैसे हम अब तक जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, इसके जो रूल है सब्जेक्ट है ना, और इधर V2 है और इधर ऑब्जेक्ट, यही तो होता है ना। तो देखो ये जो हमारी वर्ब है, ये V2 तो यूज हुई, V2 का यूज हुआ यहां पर, तो ये अफर्मेटिव में यूज होती है बेसिकली। किसमें होती है? अफर्मेटिव में। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, डिड नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव में हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, डिड नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। अब देखो बहुत सारे बच्चों का मतलब ऐसा मानना होता है, बहुत सारे बच्चे को इस तरीके से बताया जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में V2 का यूज होता है और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में V1 का यूज होता है। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, या फिर इंटरोगेटिव हो, तीनों में ही V2 का यूज किया जाता है। अब आप कहोगे सर V2 कहाँ है, सर V1 तो है। अरे भैया ये तो रही V2, ये V2 तो है। आपने पढ़ी होगी ना 2 की फॉर्म, देखो आपने डू की फॉर्म पढ़ी होगी। V1 क्या होती है? डू या डज, और V2 क्या होती है? डिड, और V3 डन। पढ़ी है ना ये? तो देखो ये V2 तो है, जब एक बार V2 आ गई तो दोबारा V2 आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में क्या कहा था कि एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको ये चीजें बताऊंगा। ठीक है, और आपकी जो गलत फहमी है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, टेंस के बिल्कुल अंदर ले जाऊंगा आपको डेप्थ में, बिल्कुल मजा आएगा आपको, एक एक चीज बारीकी से आपको समझने को मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं, सॉरी इंटरोगेटिव रूल की यहाँ पर मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पर क्या हमने पढ़ा होता है अब तक? डिड को स्टार्टिंग में रखो, मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में
ठीक है, क्या कर दो, इंटरप्लेस यानी कि एक्सचेंज कर दो एक दूसरे के स्थान पर, बस सब्जेक्ट को बाद में लिख दो और उसके बाद में वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। तो देखो ये नहीं ना V2, ये V1, क्योंकि V2 एक बार जब हमने यूज कर दी तो सेकंड टाइम हम V2 को यूज क्यों करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी बात को, ये तीनों अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आ गए होंगे कि सब में ही, इसमें नई चीज हमें क्या मिली, नई चीज हमें ये मिली कि सब में ही V2 का यूज किया जाता है। आज से हमारा पढ़ने का और समझने का जो वे है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। उस तरीके से नहीं कि बस किताब हमारे हाथ में है और हमें जो बता दिया उसी तरीके से हम रट्टा फिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट करेक्ट वे, क्लियर है। तो इस तरीके से, तो ये भी याद रखना कि डू जो हमारी वर्ब है उसका जो V1 जो होती है वो डू और डज होती है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो डस का यूज किया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल है तो डू का आप यूज करोगे, और अगर V2 में है बात जो भी कही जा रही है तो फिर डू क्या बन जाता है, डिड, और V2 को ही परफेक्ट में फेंक दो क्या बन जाता है, डन। ठीक है दोस्तों, बात सुनाई, V2 को ही परफेक्ट में फेंक दो यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और बस फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है अभी इसके बारे में कि पास्ट में कोई भी एक्शन होगा तो हमेशा क्या, कौन सी वर्ब यूज होगी, V2। दोस्तों मैं बार बार इसीलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ इतना, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जामिनर ने V3 लगा करके दी है, और बच्चे SSC के एग्जाम में CGL में भी बहुत सारे बच्चे, ठीक है, इसको गलत करके आए हैं। पता सबको होता है, देखो पता आपको भी है, पता सबको है, लेकिन फिर भी एग्जाम में वो चीज नजर नहीं आती, एग्जाम में फिर भी बच्चा इसको करेक्ट, इसको जो है गलत करके आ जाता है, और जो एग्जामिनर देता है अरे बना के उसको सही करके आ जाता है। तो इसीलिए मैं इस चीज पे बार बार जोर दे रहा हूँ, आपको इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस होगा, पास्ट में दिया होगा तो V2 यूज करोगे, कभी भी V3 यूज मत करना। ठीक है दोस्तों, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, अब हम नेक्स्ट अपना मूव करते हैं आगे। दोस्तों अब देखो एक और बहुत ही यूनिक चीज आपको यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, तो कोशिश करना एक एक चीज बहुत अच्छी समझने की। ये चार सेंटेंसेस जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले से बता के आ रहा हूँ कि मैं बेसिक टू हाई लेवल है, मतलब मैं बेसिक भी नहीं छोड़ूंगा, पहले मैं बेसिक कंप्लीट करूंगा उसके बाद में आपको उस हाई लेवल तक ले जाऊंगा जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। पहले बेस बनाओ, तो यहां पर लिखा है ही वेंट टू प्ले, मतलब वो गया था खेलने, बिल्कुल सही है। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, बिल्कुल सही है सेंटेंस, बिल्कुल सही है। ही डिड गो टू प्ले, फिर डिड भी V2 है, वो गया था खेलने, तो सर ये कैसे बन गया, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज कर रहे हो, जबकि हमने तो पढ़ा है, हमने तो बुक में पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड का यूज तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। बस भाई वही तो यूनिक चीज आपको सिखानी है मुझे कि ये सेंटेंस भी सही है, सर दोनों सही है, आपने तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में डिड का यूज कर दिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। बेटा यही तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास में क्लास लेने का यही तो फायदा होगा ना आपका, जो चीज आपको बुक में नहीं मिली वो चीज आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, और एग्जाम में देख लेना खूब यहाँ से एरर आते हैं। ठीक है, ही डिड गो टू प्ले, ही वेंट टू प्ले, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है लेकिन हल्का सा फर्क है। ठीक है सर, वो फर्क क्या है, देखो अगर मैं सेंटेंस को बोलूं ही वेंट टू प्ले, इसका मतलब है वह खेलने गया था या गया, ठीक है, मतलब वो जा चुका है खेलने पास्ट में, नॉर्मल वे में बता रहा है ये, नॉर्मल वे में। लेकिन जैसे ही मैंने इसके बारे में करा तो ये वही चीज है, मैंने आपको एक बार बताया था, ठीक है, वह खेलने ही तो गया था, याद करो मैंने आपको बताया था, इम्फेसाइज करना कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में भी डू डस का यूज करना सिखाया था, और कहा था
जब भी प्रेजेंट इंडिया फ्री के अफर्मेटिव में डूडल्स आए तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, वो इम्फेसाइज कर जाएगा जोर दे करके। तो वैसे ही पास्ट में भी इम्फेसाइज करने के लिए डिड का यूज किया जाता है अफर्मेटिव में। ये नॉर्मल वे में है कि वो खेलने गया था, ठीक है। सपोज आपसे किसी ने पूछा कि वो कहाँ गया था, आपने कहा वो खेलने गया था, नॉर्मल वे में। और एक आप जोर दे करके बोल रहे हो वो खेलने ही तो गया था, दैट मीन्स आपने सेंटेंस में थोड़ा सा जोर दिया, टोन चेंज की, और जैसे आपने सेंटेंस को इम्फेसाइज किया आपको डिड लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला आई डिड स्टडी, मतलब इम्फेसाइज कर रहा हूं मैं स्टडी तो करता हूं, और एक मैंने बोला आई स्टडी, मैं स्टडी करता हूं, नॉर्मल वे में, समझ रहे हो ना बात को। तो जैसे प्रेजेंट में इम्फेसाइज करना है डूडल लगा दिया, पास्ट में इम्फेसाइज करना है डिड लगा दिया, इस वे में, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, जब आपने बोला वह खेलने गया था नॉर्मल वे में और आप अपनी टोन में थोड़ा चेंज लाना चाहते हो, थोड़ा भारी करके थोड़ा जोर देके वाक्य को बोलना चाहते हो, ही डिड गो टू प्ले, बस इतना सा फर्क है। सेंटेंस दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बाकी इसमें देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे, दे डिड, अब मैं नेगेटिव, दे डिड नॉट रीड दिस बुक, उन्होंने यह बुक नहीं पढ़ी थी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चेंज नहीं होगा, डिड ही आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में। डिड ही वॉच द टेलीविजन क्वेश्चन मार्क, क्या उसने टेलीविजन देखा था, वॉच किया था, बस आप पास्ट में पूछ रहे हो। कैसे पता लगेगा पास्ट में, अरे भाई सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है दैट मींस मैंने आपको बता रखा है जहां भी सेकंड फॉर्म दिखेगी वाक्य किसमें होगा, पास्ट में। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो किसमें होगा, पास्ट में। इंग्लिश के पेपर में एग्जामिनर आपको हिंदी लिख के नहीं देगा, फिर आप पता कैसे लगाओगे, वर्ब की फॉर्म से। अगर वो वी वन है तो प्रेजेंट दिखाएगा, वी टू है तो पास्ट दिखाएगा, बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही बेहतरीन नई चीज और आपको सिखाता हूँ और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी कर लीजिए। दोस्तों देखो, अब आपको मैं उस चीज का, उस रूल का, उस चीज का तोड़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ना जाने कितने एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 99% बच्चे इस चीज को रट के आते हैं और देखना फिर भी एग्जाम में भूल जाते हैं, ठीक है। अब देखना कितने इजी वे से मैं उस चीज को आपके सामने यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आपने एक रूल हमेशा आपने पढ़ा होगा बुक में कि जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे कुछ वर्ड, जैसे कि यस्टरडे है ना, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नाइनटीन, मतलब पास्ट का कोई भी ईयर, सन 2015, एगो, इस तरह का कोई भी आपको पास्ट का कोई भी ऐसा आपको ये इनमें से कोई भी शब्द आपको दिखाई दे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं, मतलब उस सेंटेंस में वी टू का यूज करें आप। और ये शब्द तो काफी सारे होते हैं, मैंने तो कुछ ही शब्द लिखे हैं, और फिर बच्चे इनको जितनी देर में याद करते हैं उतनी देर में तो वो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 5 से 6 की प्रैक्टिस कर लें जितना टाइम इनको। और यही नहीं, काफी सब जैसे ऐसे बच्चे ग्रामर पढ़ने के और ज्यादा बढ़ते आते हैं, आगे बढ़ते आते हैं, तो वैसे वैसे उनके पास में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं वर्ड्स, किस वर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, किसके बाद प्रेपोजिशन लगाएं, है ना, उतनी देर में तो देखो कितने सारे प्रैक्टिस है। और कमाल की बात तो यह वो एग्जाम में याद नहीं रहते। अगर मैं आपको कहूं एक छोटी सी सिंपल सी बात बता दूं कि इनको याद मत करो, और मैं आपको एक ऐसी बहुत ही सिंपल चीज बताऊंगा जो आपको पता है लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपको पता है, यू नो बट यू डोंट नो दैट यू नो, ठीक है।
आपको अच्छी पता है, लेकिन आपके सामने ना थोड़ा एक रूल का पर्दा अड़ा हुआ है, मैं जरा उसको हटाने की कोशिश करता हूँ, बड़े अच्छे समझना। इस सेंटेंस एग्जामिनर ने सेंटेंस दिया, आई ठीक है वॉच्ड, ऐसे आई वॉच मूवी, ठीक है आई वॉच अ मूवी यस्टरडे, आई वॉच ए मूवी यस्टरडे। अब जिस बच्चे को, ठीक है बच्चा कुछ रटके गया, यस्टरडे है यस्टरडे देखते, इसको उड़ा दो और वॉचड कर दो, उसको ये नहीं पता ये हुआ क्यों, उसको ये पता है यस्टरडे मैंने पढ़ा था, यस्टरडे शब्द कहीं पर भी दिखे तो वी टू का प्रयोग कर दो, वो इस बेसिस पे करके आ गया। और आगे चलकर पेपर और ज्यादा कॉन्सेप्चुअली होता है रहा, एग्जामिनर ने किसी वजह से सेंटेंस को कुछ ऐसा करके दे दिया ना, तो रूल देखो रूल क्या है, रूल है तो तोड़ भी है, एग्जामिनर ऐसा सेंटेंस करके देगा कि रूल वगैरह कुछ काम नहीं आएंगे और रूल रटने वाले बच्चे हमेशा गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इस चीज को समझो भाई, मुझे एक बात बताओ क्यों आप ऐसा कर रहे हो कि ये जब भी कभी ये वर्ड्स दिखाई दें तो उसमें वी टू का प्रयोग करें, मुझे एक बात बताओ, क्या आप कोई रीजन नहीं जानना क्यों प्रयोग करें? कोई कह के चला गया कि जब भी ये कहीं वर्ड दिखाई दे तो उसमें वी टू का यूज करें, कोई तो रीजन रहा होगा। तो मेरे भाई रीजन बड़ा सिंपल सा है, बहुत छोटा सा आपको पता है, जरा मुझे बताओ यस्टरडे किसके बारे में बात कर रहा है, बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल कल है तो क्या है, प्रेजेंट है पास्ट है, पास्ट है, लास्ट ईयर पिछला साल पास्ट है, लास्ट मंथ पिछला महीना पास्ट है, 2015 पास्ट है, 1990 पास्ट है, एगो पास्ट है। जब ये वर्ड ही पास्ट के हैं तो मेरे भाई वर्ब भी तो पास्ट की यूज होगी, फिर क्यों इतने वर्ड को रटना है? अरे छोड़ो ना इन्हें, सेंटेंस आने दो, हम खुद पढ़ लेंगे पास्ट की, हमें पास्ट का वर्ड कोई भी लिखा हुआ दिखाई देगा हम खुद पास्ट में बना लेंगे, टाइम पास्ट का होगा तो सेंटेंस भी तो पास्ट में ही बनेगा। अब ऐसा थोड़ी कि महात्मा गांधी के समय की बात आप प्रेजेंट में बोल दोगे कि महात्मा गांधी ये काम करते हैं, हैं क्या, जिंदा थोड़ी है, मर चुके हैं ना। तो अगर आप उस टाइम के बारे में बात करोगे, 1947 के बारे में अगर आप कोई चीज बात करोगे तो यही तो बोलोगे उस चीज पे, उस टाइम पे वो चीज थी, समझ रहे हो ना बात को। तो जब टाइम पास्ट का होगा तो एक्शन भी तो ये वर्ब भी तो पास्ट की यूज करोगे, इसमें रटने वाली कौन सी बात है, मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचो ना मैं क्यों याद करूं, मेरे सामने ये भी वर्ड आ गया मैं खुद दिमाग लगा लूंगा, लास्ट ईयर लिखा है पास्ट है तो पास्ट ही यूज होगा, समझ रहे हो बात को, है ना। 2015 है पास्ट के बारे में, 2020 चल रहा है पास्ट है तो मैं तो वी टू यूज करूंगा, और सर ने बताया था पास्ट का टाइम है तो पास्ट टेंस बनेगा, और पास्ट टेंस कौन दिखाता है, वी टू, खत्म बात। क्यों इतने लिस्ट लेके घूमते हो, मामला समझ में आया, कितना सिंपल है ठीक है। आज के बाद, और ये बहुत सारी बुक में ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं, बहुत सारी जो फेमस फेमस बुक है ठीक है। तो इस आज के बाद ना ये सब कुछ मत करना, अपनी लाइफ से हटा दो इनकी, ठीक है चीजें। एक सेंटेंस और देखो, आई पास्ड माय ग्रेजुएशन, मैंने पास की थी अपनी ग्रेजुएशन 2015 में, 2015 प्रेजेंट का टाइम है पास्ट का, पहले तो ये देखो सर पास्ट का टाइम है, पास्ट का टाइम है तो क्या सेंटेंस भी पास्ट में बना हुआ है, यानी कि वी टू में, सर बिल्कुल वी टू में बना हुआ है, करेक्ट है बिल्कुल, नो एरर, बात समझ में आई यहां तक ठीक है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो अब हम करेंगे एरर की प्रैक्टिस, कुछ सेंटेंस मैं आपको दूंगा एग्जाम में जो आते हैं ठीक है दोस्तों। अब देखो उन एरर्स के बारे में हम बात करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, और किस किस तरीके से एग्जामिनर बच्चों को जो माइंड है उसको घुमाने की कोशिश करता है ठीक है, उस चीज को हम समझेंगे। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जहां से पास्ट इंडेफिनिट में जिस तरीके से वो एग्जामिनर एरर करके देगा
उसी बिल्कुल डिप्टो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है कि मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा कि इस चीज़ में क्या करके वो एरर देगा, और आपको बिल्कुल डिप्टो वही चीज़ आपको मिलेगी एरर में, आई गारंटी। ठीक है, बस उस एरर को पकड़ना है फालतू, और कुछ नहीं पढ़ना इंग्लिश के पोर्शन में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला एरर जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे, देखो आई हैव कम टू नो, कहता है मुझे पता चल गया है कि योर फादर हैज डाइड, कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। अब देखो कितनी बढ़िया हिंदी निकल रही है कि आई हैव कम टू नो, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पिता डाई हो चुके हैं, मर चुके हैं लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो बिल्कुल हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन हिंदी। ठीक है, अगर हम हिंदी निकालते हैं कितनी बढ़िया है कि मुझे पता चल गया है तुम्हारे पिता लास्ट वीक मर चुके हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको मैंने अभी अभी बिल्कुल समझाया लास्ट वीक, अब मुझे बताओ ये प्रेजेंट का टाइम है कि पास्ट का, लास्ट वीक पिछला हफ्ता, इसका मतलब पास्ट का टाइम है सर। अगर पास्ट का टाइम है तो सेंटेंस भी पास्ट में बनेगा, और पास्ट में बनेगा तो कौन सी फॉर्म आएगी, वी टू, और वी टू आएगी तो ये हैज कहां से आ गया, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट में आती है, पास्ट में थोड़ी, तो इसको उड़ाओ, सीधा क्या आएगा डाइड, क्योंकि डाई की सेकंड फॉर्म भी डाइड होती है, थर्ड फॉर्म भी डाइड होती है, पास्ट का टाइम है इसीलिए वर्ब भी पास्ट की, और पास्ट में सिर्फ वी टू आती है, हैज हैव नहीं आता, अब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ एरर है, बिल्कुल डिप्टो यही एरर दिया था। ठीक है दोस्तों, इतना छोटे से मिस्टेक इतनी से करके आपको देता है। नेक्स्ट, आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका हूं इन दिस कंपनी, इस कंपनी में इन 2016 में, अब कह रहा है मैं 2016 में इस कंपनी में काम कर चुका हूं। अब मेरे भाई अगर वो 2016 में काम कर चुका है, 2016 कौन सा टाइम है, पास्ट का टाइम है, अगर पास्ट का टाइम है तो वर्ब भी कौन सी होगी, पास्ट की, तो प्रेजेंट की वर्ब कहां से आ गई, क्योंकि हैव की वी1 तो प्रेजेंट होती है, और सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बन गया है एज वी3, जब टाइम पास्ट का तो वर्ब भी सिर्फ पास्ट में, यानी कि v2, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी, 1947 में, फिर से टाइम किसका है, पास्ट का, अगर पास्ट का टाइम है तो वर्ब भी पास्ट की, यानी कि सीधा v2, खत्म बात, बस आपने दो चीज चेक करनी है, पास्ट का टाइम, पास्ट की वर्ब, बस इतना आपने देखना है। और दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूं, जब कभी भी एग्जामिनर यहां से एरर देगा तो याद रखना पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट बना के देगा। ठीक है, अगर यकीन नहीं ना तो प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, चाहे वो CHSL के हों, चाहे वो CGL के हों, कितने सारे एरर उसने पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब ला करके दिए हैं। ठीक है, क्यों ला करके देता है, क्योंकि हिंदी बहुत बढ़िया निकलती है, और मैंने आपको यही चीज बताया था, एग्जामिनर इसी बस इसी चीज का फायदा उठाता है कि बच्चों को ये देखता है कहाँ पे हिंदी बहुत बढ़िया निकल रही है, वहीं से कंफ्यूज करके, क्योंकि हमें क्या पता है, हम हिंदी निकाल के देखते हैं, बचपन से आदत होती है, और हिंदी निकाल के सेंटेंस बढ़िया लगा, कहता राइट है बहुत बढ़िया, हिंदी जहाँ खराब लगी कहता कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो ना, वो चीज हमें खत्म करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ही हैड कम टू माई हाउस यस्टरडे, वो मेरे घर आया था कल, यस्टरडे पास्ट का टाइम है, अब देखो पास्ट का टाइम है तो वर्ब भी पास्ट की आएगी, ओहो सर हैड तो हैव की पास्ट फॉर्म है v2, लेकिन फिर वही बात, पास्ट टाइम दिया होगा तो हमेशा ही v2, और v2 सिर्फ ये, और इसका भी क्या हो जाएगा, केम,
क्योंकि तो हैड वी थ्री तो पास्ट परफेक्ट बन गया ना, हमें तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, ठीक है, तो पास्ट टाइम सिर्फ वी टू और वी टू एक ही, हैड वी थ्री हैज वी थ्री कुछ नहीं, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे हैजर ला के दे फिर थर्ड फॉर्म या फिर वो यहाँ पे हैड ला के दे, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ सिर्फ वी टू, ही केम टू माई हाउस यस्टरडे, खत्म बात। सिर्फ आपको एक ही चीज को कैसे भी घुमा करके दे, आपने फंसना नहीं है। नेक्स्ट, आई सॉ दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी थी ए ईयर एगो, एक साल पहले, एगो पहले, पहले मतलब पास्ट का टाइम है। अब मुझे बताओ अगर ये टाइम पास्ट का है तो मेरे भाई वर्ब भी पास्ट आएगी और पास्ट में कौन सी वर्ब, वी टू, तो वी टू है। सी की सेकंड फॉर्म सी माने देखना, सी की सेकंड फॉर्म सा और थर्ड फॉर्म सीन, तो यहां पर तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब सेंटेंस नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें, ठीक है, देयर इज नो मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, क्लियर है। तो दोस्तों इस तरीके से एग्जाम में एरर यहां से पूछेगा। अब ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट का कभी भी एरर आएगा, मैं आपको दोबारा से हमें छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वी टू, पास्ट टाइम तो वह भी वी टू, टाइम देखना अगर टाइम पास्ट में है तो वह भी पास्ट में होनी चाहिए यानी कि वी टू, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कैसे कैसे एरर देगा पास्ट इंडेफिनिट में, सर सिर्फ एग्जामिनर दो तरीके से एरर देगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट परफेक्ट बना के देगा या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बना के देगा, ज्यादातर चांसेस है वो प्रेजेंट परफेक्ट बना के देता है, 99% 1% पास्ट परफेक्ट, इसके अलावा तीसरा एरर कोई नहीं देगा, नो एरर होगा फिर वो, ठीक है, ओके। तो फटाफट से इसको अभी के अभी कॉपी कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो भी चीज़ें आज हमने कॉन्सेप्चुअली समझी हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत क्या करो, ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन को सबको आपको मिले और अपने नॉलेज को इन्हेंस करो दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम हमें ज़्यादा समय नहीं देना, हमें ये नहीं कि हमारे पास में बहुत अच्छा समय है, हमें बढ़ते आ रहे टाइम, एक बार में एग्जाम हमें निकालना है, 2020 आपके नाम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, चलिए टाटा बाय बाय।